दोस्तों, अब मैं आपको टेरेस पर लेकर आ चुकी हूँ, जहाँ से आप पूरा देख पाएंगे किस तरीके से इस ट्विन टावर को गिराया गया है। लगा हुआ है और बताया जा रहा है कि कम से कम यहाँ पर 3 महीने का समय लगने वाला है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है इस पूरे मलबे को हटाने में। और नोएडा में अलग अलग जगहों पर डंप एरिया बनाए गए हैं, जहाँ पर ये पूरा मलबा डंप किया जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से कुछ तस्वीरें और कुछ पास से शॉट्स कि किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। साथ ही दोस्तों, आप देख पाएंगे कि जैसा बताया गया था कि ट्विन टावर के बिल्कुल नज़दीकी एक ऑलरेडी यहाँ पे टावर बना हुआ है, जो कि पहले से यहाँ था, और उनके बीच का जो डिफरेंस था वो 9.88 मीटर था। तो अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। पास तो नहीं लेके जा पाऊंगी आपको, क्योंकि अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है, लेकिन दूर से जितनी भी पास से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि कहीं बिल्डिंग पे कोई क्रैक तो नहीं आया है, किसी तरह की कोई हानि तो नहीं हुई है। और ये भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको छत पे भी लेके जा सकूं और छत से पूरा व्यू दिखा सकूं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा मलबा पड़ा हुआ है। हम ये भी देख पाएंगे छत से कि जो मलबे का झुकाव था, बिल्डिंग का झुकाव था, क्या इस तरफ ज़्यादा था या ATS विलेज की बिल्डिंग की तरफ ज़्यादा था। तो चलिए, अब मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ से आगे। देखिए दोस्तों, पहाड़ की तरह मलबे का पूरा ढेर यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं बिल्डिंग, ये है एस्टर 1 का टावर, जिसको मैं आपको नीचे से लेके ऊपर तक दिखा रही हूँ इस वीडियो में। और आप क्लियरली देख पाएंगे कि किसी भी तरीके का कोई भी इफ़ेक्ट इस बिल्डिंग में नहीं हुआ है। और आप क्लियरली इफ़ेक्ट देख पाएंगे कि पूरे जो शीशे हैं हर फ्लोर में पूरे के पूरे हैं, कोई भी शीशों में क्रैक नहीं आया है। इवन बिल्डिंग में भी कोई किसी तरीके का क्रैक नहीं आया है। और साथ में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर काम चल ही रहा है, तो इस पूरे एरिया को इन्होंने मतलब बांधा हुआ है, अलाउ नहीं है इसके अंदर जाना। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बुलडोज़र से पूरा काम किया जा रहा है, हटाने का काम यहाँ पर चल रहा है इस मलबे को। मुंबई बेस्ड एडिफेस इंजीनियरिंग ने अपनी साउथ अफ्रीकन साझेदार फर्म जेट एमिशन के साथ मिलकर नोएडा ट्विन टावर को गिराया था, जिसमें एक नियंत्रण वाटरफॉल इम्प्लोजन तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। जब ट्विन टावर को जमींदोज किया गया था, उसके बाद 55,000 टन मलबा निकला। नॉइज़ का लेवल 150 dB तक बढ़ गया था और तकरीबन 4 किलोमीटर तक के धूल के बादलों का निर्माण हुआ था। बताया जा रहा है ट्विन टावर के इस मलबे को नोएडा अथॉरिटी द्वारा ठिकाने लगाया जाने वाला है। इसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने इस मलबे को रिसाइकिल करके बेचने का फैसला किया है। इस मलबे को रिसाइकिल नोएडा सेक्टर 80 में बने रेमिक की साइकिलिंग प्लांट में किया जाएगा। प्लांट में कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन मैनेजमेंट टावर से निकलने वाले लगभग 30,000 टन मलबे को उनके प्लांट में रिसाइकिल किया जाएगा। मलबे के बड़े बड़े टुकड़े को क्रशर में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। इसके बाद टुकड़ों को और उसके चूरों को आकार के अनुसार उन्हें तमाम निर्माण कार्य में प्रयोग में लाया जाएगा। इसके साथ रिसाइकिल प्रोसेस में भी खर्चा जो आएगा, उसकी वसूली सुपरटेक कंपनी से ही की जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको टेरेस पर लेकर आ चुकी हूँ, जहाँ से आप
पूरा देख पाएंगे किस तरीके से इस ट्विन टावर को गिराया गया है। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से गिराया गया है, आप देखिए, जो कि अब मलबे में तब्दील हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम शुरू हो चुका है और लगभग बताया जा रहा है कि 3 महीने लगेंगे इसे होने में। तो अभी आपको मैं यहाँ से कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ और पूरे यहाँ से शॉट्स लेकर दिखाती हूँ। था कि दोस्तों आप अभी वीडियो में देख ही रहे हैं, जब ये डिमोलिशन हुआ था उसके बाद यहाँ की नेबरिंग सोसाइटी ATS विलेज मलबे की चपेट में आने की वजह से बाउंड्री वॉल का 10 मीटर का हिस्सा जो था वो डैमेज हुआ है। और आप अभी वीडियो में देख भी पा रहे हैं कि जो ये मलबा पड़ा है उसका जो झुकाव है वो ATS विलेज की तरफ ज़्यादा हुआ है। और साथ ही आप ये भी देख पा रहे हैं कि बाकी अन्य कहीं भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। और अभी आप देखिए, और सामने जो आप देख रहे हैं वीडियो में फ्लाई ओवर, उसी फ्लाई ओवर पर हम सभी ने, इवन मीडिया ने खड़े होकर वो पूरी कवरेज करी थी, जब 28 अगस्त 2022 की दोपहर 2:30 बजे इन ट्विन टावर को जमींदोज किया गया था। तो आप देख पाएंगे कि पूरा व्यू यहाँ से इस वीडियो में कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा मलबा यहाँ पे पड़ा हुआ है और यहाँ पर काम चल रहा है। दोस्तों अभी मैंने आपको छत से वो दिखाया है कि किस तरीके से पूरा मलबा पड़ा हुआ है, और आपने खुद ही देखा कि जो मलबे का झुकाव था वो इधर की तरफ ना होके ATS विलेज की बिल्डिंग की तरफ ज़्यादा उसका झुकाव पड़ा है। तो हो सकता है कि उस तरफ नुकसान होने की आशंका है। और दोस्तों बताना चाहूँगी कि ये पहला ऐसा नहीं है इंडिया में कि जिसको डिमोलिश किया गया है। केरल में और कोचीन में ऑलरेडी ऐसा डिमोलिश किया गया था, जो कि 16 माले की बिल्डिंग थी, वहाँ पर 4 बिल्डिंग बनाई गई थी। लेकिन इंडिया में कहा जा रहा है कि ये सबसे मतलब टॉलेस्ट बिल्डिंग थी जिसको डिमोलिश किया जा रहा है। और अभी मुझे पता चला है कि जमशेदपुर में नवंबर में एक और बिल्डिंग डिमोलिश की जा रही है और वो इससे भी ऊंची है। तो अब ये सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग हो जाएगी उसके बाद, क्योंकि ये थी 103 मीटर ऊंची। और वो जो बिल्डिंग बताई जा रही है जमशेदपुर में, जो कि नवंबर में जमींदोज कर दी जाएगी, तारीख अभी नहीं पता है, तारीख पता चल जाएगी, अभी बात चल रही है कि कौन सी तारीख को वो किया जाएगा जमींदोज वहाँ पर। तो उसकी जो ऊंचाई है बिल्डिंग की वो है 110 मीटर। तो अभी वो टॉलेस्ट हो जाएगी और ये सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग हो जाएगी दोस्तों। तो और बताना चाहूँगी कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ATS बिल्डिंग और ATS विलेज जो है उसको भी थोड़ा इफेक्ट हुआ है। और साथ में अपने छत से मैंने आपको पूरा वो नज़ारा दिखाया है कि जो यहाँ पे वॉल लगाई गई थी, सेपरेट वॉल किया गया था जो पूरे चारों तरफ से इसको कवर कर रहा है पूरी बिल्डिंग को, तो वो भी टूट चुकी है। और मैंने आपको वो भी पुल दिखाया है, ब्रिज, जहाँ पर फ्लाई ओवर दिखाया है आपको, जहाँ पर हम सब खड़े थे 28 अगस्त 2022 को, और मोस्टली मीडिया वहीं पर थी और वहीं से पूरा कवरेज कर रही थी जब ये ट्विन टावर को जमींदोज किया गया था। सुपरटेक ने कहा है कि ट्विन टावर को गिराए जाने से उस कंस्ट्रक्शन और इंटरेस्ट लागत समेत करीब तकरीबन 500 करोड़ रुपए का उन्हें नुकसान हुआ है। भ्रष्टाचार की नींव पर बनी ट्विन टावर जिसको अब जमींदोज कर दिया गया है। और आज की वीडियो में मैंने आपको वो पूरा जगह दिखाई है कि किस तरीके से जो ट्विन टावर को जमींदोज कर दिया गया है और उसका मलबा अब पड़ा हुआ है, जो कि अभी भी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, और बुलडोजर लगे हुए हैं और काम चल रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों अगर आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएँ कि अब ये मलबा मतलब यहाँ पे पड़ा हुआ है और किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। इवन मैंने आपको इस वीडियो में बिल्डिंग दिखाने की कोशिश करी है कि कहीं बिल्डिंग में कोई क्रैक तो नहीं आया है, किसी तरीके का कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा है। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। और मुझे दोस्तों कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा कि आज का ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है। मिलती हूँ आपसे एक नई जगह, नए लोकेशन पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग कैप्चर अनसीन मोमेंट्स।